Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science and study of fake lie or imagination. आज हम लोग इस विषय पे जो बात करने जा रहे हैं, ईरानी इस्लाम का अंत निकट. ये अजम इस्लाम जो पर्शिया से जो फैला था, मेरी पहली बुक में भी है. और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनकी इतनी सारी पुस्तकें हैं इस विषय पे. You will be spell bound with that information today. तो ये जो अजम इस्लाम है, उसने भारत पे सबसे ज्यादा कहर ढाया था. वो पर्शिया से ही निकला था. पर्शिया तो ओल्ड सांस्कृतिक नाम है, उसका आज के ईरान से कोई संबंध नहीं. और जो लोग बोलते हैं ईरानी इस्लाम, जो ईरानी है वो आर्यन से, वो भी एकदम गलत स्टेटमेंट है. क्योंकि आर्यन जो होते हैं, जो वेद को फॉलो करते हैं, तो इस्लामिक ईरान कभी आर्यन को उसको बुलाना भी नहीं चाहिए. सो विदाउट डिले, लेट अस वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर कुसुमलता केरिया जी एंड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. नमस्कार. नमस्कार. तो सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सो इस पे जो है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका शुरुआत विद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार एंड देन प्रोफेसर कुसुमलता केरिया. प्लीज शैलेंद्र जी, इस्लामी का अंत निकट कैसे है? आपके संसार भर में फैले दर्शकों को सादर प्रणाम, आदरणीय दीदी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम. सबसे पहले जगत गुरु को याद करते हैं. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु. ये दीदी से हमारी बातचीत हुई. और देखिए, ऐसा है कि 1978 में जो जिसको इस्लामी क्रांति कहते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ इस शब्द को, क्योंकि इस्लाम कभी क्रांति कर ही नहीं सकता. इस्लाम स्वभाव से यथास्थितिवादी है, बल्कि उसमें तो कॉमा फुल स्टॉप का भी कोई आपके पास में वो नहीं है, कहिए कि कोई सुविधा नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है. तो इसलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये कहना कि इस्लामी क्रांति कोई हुई. ईरान की सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वह यह है कि परंपरा के हिसाब से और राजकाज के हिसाब से वह अपने पश्चिम के, मतलब उससे जो पश्चिम में अरब है, उससे उन्नत स्थिति में रहा है. और उन्नत स्थिति में हो करके वह इस्लाम से पिट गया, और इतनी शीघ्रता से पिटा कि 622 में मोहम्मद जो है पैगंबर, उनकी मृत्यु होती है. और थोड़े ही समय में, 2-3 दशक के अंदर ईरान पर इस्लाम हावी हो जाता है. इस बात को ईरान ने कभी भुलाया नहीं. ईरान की समस्या यही है. ईरान की मूलभूत समस्या यह है कि वह अपने आप को उन्नत समाज मानता रहा है, और उधर जो रोमन साम्राज्य था, रोम का साम्राज्य था, उसके समानांतर इसके साम्राज्य की गणना इतिहासकारों ने की थी. लेकिन इस्लाम से जो इसकी पराजय है, उसने इसके मनोबल को रौंद दिया है. और तब से लेकर आज तक, अर्थात 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक 21वीं शताब्दी तक, ईरान जो है कभी भी अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका. क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूं कि भाषा उसकी कभी भी वह नहीं थी जो आज उसने अपनाई है. मैं लिपि की बात कर रहा हूं. लिपि उसकी पहलवी होती थी, लेकिन आज जो लिपि उसको अपनानी पड़ी है वो अरबी लिपि है. और चूंकि इस्लाम अरबी में है और इस्लाम इसने स्वीकारा या इस पर थोपा गया, इसलिए अरबी इस पर हावी हो गई. इसका परिणाम यह हुआ कि जो शिया संस्करण देखते हैं इस्लाम का, उसके पीछे और विशेष कोई कारण नहीं है. उसके पीछे कारण ईरान है. क्योंकि ईरान प्रत्यक्ष रूप से यह कह नहीं सकता कि हम इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम के विरोधी हैं, लेकिन एक प्रकार से शिया जो है वो इस्लाम का विरोधी है. क्योंकि मूलभूत परिभाषा यह है सुन्नी की और शिया की, जो भेद है
उस भेद का पहला जो अंतर है वो यही है कि जहां सुन्नी केवल और केवल पैगंबर को ही सब कुछ मानते हैं, वहीं शिया पैगंबर के अतिरिक्त अली और उनके लड़कों को यानी हसन और हुसैन सबको मानते हैं और सबको उस तरह का स्थान देते हैं जो सुन्नी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि सुन्नी को ये लगता है कि ये पैगंबर की भांति पैगंबर की तरह इनको भी दर्जा दे रहे हैं। और इसलिए जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंटिज्म है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए इस्लाम में ये शिया है और इसका जो केंद्र है वो ईरान है। तो ईरान की जो कुंठा है वो यही है कि ना तो वो निगल पा रहा है ना उसको उगल पा रहा है। 1978 की जो क्रांति है इस्लामिक, जिसको मैंने फ्रॉड कहा है, वो क्रांति नहीं थी, उसके पीछे भी यही अभिप्राय था, क्योंकि उसके पीछे जो राजा था उसके पहले, वो राजा पश्चिमी देशों से मिलता जुलता था और उसने काफी जो कहिए कि आज के युग के अनुरूप अपनी शासन प्रणाली फ्रांस से लॉ लेके आया, अलग अलग तरह के काम वो करने लगा और इस बीच में वहां तेल निकल गया था, तो तेल की जो दौलत है वो अचानक वहां विस्फोटक रूप अख्तियार करती और राजा उसमें एक हिसाब से डूब जाता है। वह विलासिता भी करता है, सब कुछ करता है जैसे एक राजा का सामान्यतः स्वभाव होता है। अब मैं आपको बताता हूं उसमें कि ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है कूम। कूम जो स्थान है वो ईरान की स्टडी का केंद्र है, इस्लामी स्टडी का, और जो लोग वहां इस्लाम पढ़ते हैं उनकी संख्या कई हजारों में। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भारत से भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में शिया छात्र कूम जाते हैं और वहां जाकर पढ़ते हैं। और आयातुल्ला जिसको हम कहते हैं, वो आयातुल्ला जैसे शिक्षक में जैसे डिग्री मिलती है उस तरह उसको आप मानिए, जैसे हम आचार्य कहते हैं, प्राचार्य कहते हैं, उस तरह की एक उपाधि है, उस तरह का एक पद है। तो हुआ ये कि कूम में चूंकि वहां पर कूप मंडूक लोग रहते हैं और केवल इस्लामी ग्रंथों पर ही काम करते हैं, उनमें भी शिया वर्जन जो शिया संस्करण है। अब आपको आश्चर्य होगा जान करके कि वहां 10-20 वॉल्यूम में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो ये है कि इस्लामी दृष्टि से आपका घर कैसा हो, आपकी कॉलोनी कैसी हो, तो इस प्रकार की व्यर्थ की चीजें वहां पढ़ाई जाती हैं और लोगों को की मानसिकता को जकड़बंदी में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो आयतुल्ला नाम का व्यक्ति था जो बाद में सुप्रीमो बना ईरान का, वो कूम में अध्यापक था और वहां पर जो क्रांति जिसको आप कह रहे हैं वो पहले तो सचमुच की क्रांति हो जाती, क्योंकि ईरान पर रूस का बहुत प्रभाव रहा है, सोवियत संघ का, और 1970 के दशक तक सोवियत संघ की जो अंदर की कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, वो इतनी प्रकट नहीं हुई थी। तो यहां जो कम्युनिस्ट लोग थे अभी भ्रम में थे और उन्हें लगता था कि हमें भी कम्युनिस्ट पार्टी बनानी है और कम्युनिज्म लाना है अपने ईरान। तो उन लोगों ने, छात्रों ने मिलकर के क्रांति करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ ये कि अचानक उसका जो सिरमौर है, मुखिया है, वो आयातुल्ला बन जाता है और आयातुल्ला सुप्रीमो बनता है, देश का सुप्रीमो ईरान का। उससे ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे राष्ट्रपति है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें बड़ी संख्या मुल्ला और मौलवी की है और इन्हीं मुल्ला और मौलवियों ने वहां के संविधान की रचना की। तो उसमें आप समझ लीजिए इस्लाम के जितने भी ऐसे रूप होते हैं जिनसे समाज कुंठित हो जाता है, जिनसे समाज प्रगति नहीं करता, वो सारी चीजें वहां लागू कर दी गई। महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, जिसको मोरल पुलिसिंग कहते हैं, वो हर जगह बिठा दी गई। कोई लड़का जो है किसी लड़की का हाथ पकड़ेगा तो उसको 4 डंडे लग जाएंगे या उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। कोई स्त्री जो है बिना नकाब और बुरके के नहीं जा सकती, तो इस तरह का काम किया गया। लेकिन संयोगवश ऐसा था कि वहां के राजा के समय में चूंकि तेल वेल आ गया था, पैसा आ गया था, तो ठीक ठाक संख्या में स्त्रियां पढ़ाई लिखाई करने लग गई थी,
ईरान के अभी भी जो साक्षरता दर है वो खराब नहीं है, ईरान में शिक्षा जो है उसकी स्थिति बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि इन जैसे लोगों को जो थोड़े बहुत भी प्रगति के इच्छुक थे, इन सब लोगों को पीछे डाल दिया गया। किनको आगे किया गया? जो सर्व विनाशक थे, जो पिशाच थे, जो बदमाश थे, जो राक्षस थे। और इसी बीच में यहां की हालत देख करके इराक ने इस पर आक्रमण कर दिया। यह जो युद्ध चला है ईरान और इराक के बीच में, ये 8-9 वर्षों तक चला है। इस युद्ध ने ईरान की कमर तोड़ दी और इसमें कहते हैं कि लाखों उसके जो युवक थे वो मारे गए, बिना मतलब के बेमौत मर गए। ईरान कमजोर हो गया। ईरान की स्थिति ये थी कि ये सारे संसार में अपनी तरह का इस्लाम फैलाना चाह रहा था, इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर ईरान का बहुत प्रभाव पड़ा। जियाउल हक जैसा आदमी उसके बाद ही आता है पाकिस्तान, उसके पहले पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान में जो कट्टरता आई है वो ईरान की इस तथाकथित क्रांति के बाद आई है। इसलिए पूरी दुनिया में जो आपको विकसित देश जिनको कहा जाता है, उन सबसे ईरान ने अपना संबंध तोड़ लिया और उसके बाद में इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय होती चली गई। इतनी दयनीय हो गई कि उसका कोई हद हिसाब नहीं। मेरे मित्र हैं जो फारसी पढ़ते हैं, उसके विद्वान हैं, और वो कई बार उनका ईरान जाना ना हुआ। तो एक उन्होंने संस्मरण छोटा सा मैं सुनाता हूं कि हुआ क्या, जब वो ईरान पहुंचे तो भारत सरकार में वो काम करते हैं तो उस हिसाब से वो गए थे, तो उनका जो भी है सम्मान वगैरह हुआ, और हर समय 2-3 लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे ईरानी। शाम हो गई, वो अपने कमरे में आ गए जहां भी ठहरे हुए थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा घूमूं। उस व्यक्ति ने इनको मना कर दिया, कहा कि आप घूमेंगे तो हम लोग घुमाएंगे। कहा इस प्रकार से जैसे लगा सम्मान सूचक बात है, लेकिन बात यह नहीं थी। वो कुछ देखने नहीं देना चाहता था कि ईरान में क्या स्थिति है। बहुत देर हो गई, रात हो गई, तब इसने कैसे कैसे करके, इसको फारसी आती थी, भाषा की समस्या थी नहीं, तो काफी देर से 8-9 बजे रात को ये चुपके से निकल गया और वहां घूमना शुरू किया। उसने जो मुझे बताया वहां की निर्धनता के विषय में, तो आप तंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे मजदूर वगैरह जो लोग होते हैं उनको इसने देखा सड़क किनारे बैठ के भोजन करते हुए। किसी व्यक्ति की रोटी के साथ कोई और पदार्थ नहीं था, और फारसी में रोटी को ही नान कहते हैं। नान कोई अलग की वस्तु नहीं, नान का मतलब है फारसी में रोटी। तो नान लेके वो खाते थे, उसके साथ कुछ नहीं। उन्होंने कई लोगों को देखा, फारसी आती थी, उन्होंने बातचीत भी की। उन लोगों ने अपनी मुसीबत बताई कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो हम क्या खाएं। ये मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमिक सैंक्शन का ये परिणाम ईरान भोग रहा है, और ये 1978 से 2024 तक की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। धीरे धीरे क्या हुआ, ईरान में जितने पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें थोड़ी अंग्रेजी आती थी या कोई और भाषा आती थी, यूरोप की और भाषाएं वो सीख लेते हैं क्योंकि बहुत निकटता है उनसे, इन सारे लोगों ने ईरान छोड़ दिया। आज बड़ी संख्या में ईरानी आपको अमेरिका में मिल जाएंगे, अन्यत्र मिल जाएंगे, और वो आना भी नहीं चाहते। ईरानी डायस्पोरा काफी बड़ा है। अब क्या हुआ धीरे धीरे करके कि इस ईरान में आर्थिक दुर्बलता तो थी ही, और कभी किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं दी गई। लोग वहां पर घुट घुट के मरते रहे। इसीलिए आप देखेंगे पिछले 5-6 वर्षों से, और कई बार ऐसा हुआ है कि वहां घनघोर आंदोलन चला है। स्त्रियां अपना अधिकार मांगती हैं, पुरुष अपने अधिकार मांगते हैं, रोजगार वहां है नहीं। और आप यदि उसकी इकोनॉमी के विषय में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि संसार में कहा जाता है, जितने भी अर्थशास्त्री वो मानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उन्नत मानी जाती है यदि उसकी आर्थिक जो आर्थिकी है उसकी इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाइड है, अर्थात बहुत सारे उसमें आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ईरान सिंगल आइटम एक्सपोर्ट वाला कंट्री है, उस देश में तेल के सिवा वो कुछ बेचता नहीं, बाकी सारी चीजें वो खरीदता है। और एक्सपोर्ट में आपको पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा, तभी तो आप इंपोर्ट करेंगे। तो ईरान के साथ कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सैंक्शन के कारण जो ईरान की सीमा से जुड़े हुए देश हैं
वहीं पर वो अपना तेल बेच पाता है, दूर में जा नहीं पाता क्योंकि वहां बैंकिंग और सिस्टम की समस्या आती है, और इसलिए उसमें उतना तेल कैसे बेचेगा। और यह कारण क्या है कि आज की मैं स्थिति बता रहा हूं, ईरान में 45% इन्फ्लेशन का रेट है, मुद्रास्फीति दर 45% है, अर्थात 100 रुपए की चीज थोड़े ही समय में 145 की हो जाती है। तो वहां की मुद्रा का आप अवमूल्यन देखिए कि लोग क्या कमाते होंगे और क्या खाते होंगे। हमारे देश में 1975-77 के आसपास जब आपातकाल लगा था तो कहा गया था कि 27-25% मुद्रास्फीति की दर चली गई थी। उस हिसाब से आप सोचिए कि 45% वहां के लिए सामान्य स्थिति, तो ईरान की हालत आप समझ सकते हैं क्या है। अब ईरान पर मैं आज की स्थिति के लिए आता हूं कि आज क्या हो गया है। आज ऐसा हो गया है कि इज़राइल और ईरान एक दूसरे को सबसे बड़े कट्टर शत्रु मानते हैं दोनों। इज़राइल का मानना यह है कि ईरान के कारण उसके सामने बहुत सारी समस्या है और ईरान ही आतंकवाद का बहुत बड़ा स्रोत है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सच बात है कि एक देश के रूप में, एक सरकार के रूप में, ईरान का आयतुल्ला पहला व्यक्ति है जिसने सलमान रश्दी के सटनिक वर्सेज छपने के बाद उसकी गर्दन काटने की बात कही थी कि जो उसकी गर्दन काट के लाएगा हम उसको इतने सारे पैसे देंगे। और वहां से क्या हुआ है, आज देखिए सीरिया में, लेबनान में, हर जगह आतंकवाद या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता चलाना, इसके लिए ईरान काम करता है क्योंकि इन सब जगह शिया समुदाय के लोग रहते हैं। इराक में भी रहते हैं, सीरिया में भी रहते हैं, लेबनान में भी रहते हैं, और ये मिलिशिया तैयार किया हुआ है, उसमें काफी धन खर्च भी करता है ईरान। तो इज़राइल इसको मानता है कि ये आतंकवाद का स्रोत है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ईरान क्या मानता है? ईरान यह मानता है कि हम तो इस्लाम का कहिए कि सबसे बड़ा झंडावरदार नेता है। इसके सामने, अपने सामने वो सऊदी अरब को भी कुछ नहीं समझता, भले उसके पास मक्का मदीना हो, लेकिन ईरान कहता है कि तुम्हारा शासन जो है इस्लाम से कहां चल रहा है, शासन तो हम चला रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस्लाम करते करते ईरान बर्बाद हो गया है। तो इसमें ईरान ने यहूदी इज़राइल के अस्तित्व को ही आज तक नहीं माना है, वह इज़राइल को एक देश के रूप में स्वीकृति नहीं देता है, और उसका कहना है कि इसको हमें उड़ा देना है, धरती पर से ही समाप्त कर देना है। तो ये दूसरा देश कौन है ऐसा कहने वाला, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी इज़राइल को मान्यता नहीं दी, वहां के व्यक्ति इज़राइल नहीं जा सकते, वो अपना पासपोर्ट इशू नहीं करता इज़राइल के लिए। तो अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति में हमास और इज़राइल के बीच में जो पिछले 8-7 महीने से इतने लंबे समय संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें भी इज़राइल ये मानता है कि ईरान सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि इज़राइल और मिस्र के बीच में जो स्थान है वहां पर ये जो लाल सागर है उस तरफ से और दूसरे भी माध्यमों से ईरान ने सबसे अधिक जो आम सप्लाई है, अस्त्र शस्त्र की सप्लाई है, वो आपूर्ति है, उसने हमास को की है और हमास को उसने मजबूत बनाया है। इसलिए एक प्रकार से आप कहिए कि जो हमास और इज़राइल का युद्ध है ये वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से इज़राइल और ईरान का युद्ध। बाद में ऐसा हुआ कि संसार में आपने देखा होगा कि हमास को इज़राइल ने तोड़ दिया, और कुछ लोग तो हंसी मजाक में कहते हैं कि उसको फुटबॉल का मैदान बना दिया। तो ये सारा हुआ और उसके आसपास के जो इस्लामी देश हैं उन लोगों ने कोई मुखर विरोध जमीन पर नहीं किया इज़राइल का। ईरान इससे और धक्का लग गया ईरान को, ईरान को लगा कि कोई ऐसा देश ही नहीं जो उसका विरोध कर रहा है। इसलिए ईरान को अपने जो अंदर के जो हालात है, आर्थिक स्थिति जो दयनीय है, उसकी तरफ से ध्यान बटाने के लिए, और उसके ईरान में हर समय आंदोलन चलता रहता है। अभी भी मैं आपको जानकारी दूं कि सबसे गजब की बात है कि ईरान के लोग, पुरुष हो, महिला हो, बौद्धिक लोग हो, उन लोगों ने अपनी ही सरकार की निंदा की है।
उनका कहना यह है कि ये कभी भी इतने मिसाइल और ये नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुमान है कि जब प्रतिशोध पर आएगा इसराइल तब वो क्या करेगा। और यहां तकनीकी रूप से ईरान बहुत कमजोर है, कहा जाता है ईरान का एयरफोर्स किसी काम का नहीं। और आपको मैं बताऊं कि विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की जो पुस्तक है, दो पुस्तकें, दोनों पुस्तकों में उन्होंने ईरान के एयरफोर्स की का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें वो उनका कभी वो जहाज उड़ता नहीं है, कभी गिर जाता है, क्योंकि ये जहाज वहाज लिए हुए हैं बहुत पुराने अमेरिका से, इधर से उधर से, उसकी मरम्मत नहीं हो पाती और इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, नो हाउ नहीं है कि ईरान कुछ बना सके। इसलिए ऐसी स्थिति में ईरान के जो अंदर बौद्धिक लोग बैठे हैं उनका कहना है कि यदि इसराइल ने प्रतिशोध किया और इनके 300 मिसाइल गए हैं वहां, उससे कुछ नहीं हुआ, एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है और दो और व्यक्ति घायल हुए, एक व्यक्ति भी मरा नहीं उसके पहले, जिस कारण से ईरान ने उस पर हमला किया, ईरान का कहना यह है कि इसराइल ने दमिश्क में जो ईरानी दूतावास है उस पर हमला किया था। यदि वो हमला इसराइल ने किया है तो उसका आप उसकी तीव्रता देखिए, वो जब मिसाइल वहां पे गिरा तो 12 लोग तत्क्षण मर गए, जिनमें इसके बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो अम्बेसडर टाइप के लोग होते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ईरान ने 300 मिसाइल मारे, उसके 99% जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट हो गए, 1-8% इधर उधर गए, मतलब 300 में से 99% होंगे तो 3 ही गिरे होंगे इधर उधर, उससे कुछ लोग 2-3 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति भी मरा नहीं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो टारगेटेड अटैक इसराइल करेगा उससे ईरान, जो भी कुछ बचा खुचा है टूटा हुआ ईरान, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है करने को, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, न उसको चीन मदद करेगा न उसको रूस प्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा। इसीलिए मैंने इस विषय पर सोचा कि मैं ये बताऊं कि जो इस्लाम का रूप ईरान में है उसको समाप्त होना है, क्योंकि वह बहुत ही कृत्रिम और अपने आप को, अपने अस्तित्व को रखने के लिए सुन्नी के विरुद्ध एक तरह का इस्लाम खड़ा किया गया है, जिसका अंत ईरान में होना है, और तभी ईरान के लोग सुखी हो पाएंगे, तभी सामान्य जीवन जिएंगे। मैं काफी अपनी बात कह चुका, अब यहां मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि आगे उसको ले जाए। मैं इसमें एक करेंट कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करूंगा कि जो 3 जो मिसाइल गिरे थे वो एक्चुअली एक बेसिस पे अटैक किया था, सदर्न बेसिस पे अटैक किया था ईरान ने, लेकिन दे फेल आउटसाइड द बेस। तो वो कुछ बोल रहे हैं कि शायद एक प्लेन खराब हो गया या 2-3, बट नॉट ए मेजर अटैक। और उसके पहले ही, जैसे मैंने पहले बताया कि इट वॉज ए फिक्स मैच, पहले अनाउंस कर दिया गया था, एवरीवन ऐसे कोई अटैक नहीं करता, ऐसे वॉर नहीं होते। इट वाज ऑल फॉरेन, जो फॉरेन ऑफिस है ईरान का, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि नाउ द मिसाइल्स, यूएस को बता दिया, एंड देयरफॉर ऑल द डिफेंसेस वर रेडी उस समय। यस कुसुमलता जी प्लीज। मुझे तो बहुत स्पष्ट है कि ईरान की विदाई होनी है। ईरान की विदाई का मतलब वो स्थान तो अपनी जगह रहेगा ही, वहां के लोग भी रहेंगे, ये जो वर्तमान रेजीम है वहां का, जो वर्तमान शासन तंत्र है, इसकी विदाई है। और इसकी विदाई होने के बहुत सारे मतलब शुभ फल है, पाप के नाश का, अधर्म के विनाश का बहुत सारा मामला होना है। तो पहले 2-4 चीज समझ लेना चाहिए कि 1945 के बाद, और ये मामला शुरू हो गया था पहली लड़ाई के समय से ही, 1916-17-18 में ही, यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने इनको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया था। यूरो अमेरिकन ब्लॉक, जो कि चर्च माइंडसेट वाला ब्लॉक है, ये फॉल्स नरेटिव गढ़ने का माहिर है। तो इसने इस्लाम को, अरब कॉन्शियसनेस को, दुनिया भर की चीजों को
एकदम चने की झाड़ पर बढ़ा बढ़ा के इनको बता दिया। अब इस क्षेत्र के लोगों की समस्या ये है कि ये कई सौ साल से गुलाम रहे। सुनने वालों को आश्चर्य होगा किसके गुलाम रहे हैं, ये लोग तुर्कों के गुलाम रहे हैं। कौन कौन? पर्शिया वाले यानी पर्शियंस यानी ईरानी, सारे अरब वाले अरबी लोग, ये दोनों गुलाम रहे हैं तुर्कियों के, जिसको ओटोमन एम्पायर कहते हैं, जो सेंट्रल एशिया से नए नए माइग्रेटेड लोग हैं, नए नए कन्वर्ट लोग हैं। तो स्वाभाविक है उनका कन्वर्जन स्किन डीप है, सनातनी से ही कन्वर्ट होते हैं। तो ओटोमन एम्पायर को या उस्मानी साम्राज्य को, या सही नाम है तुर्की साम्राज्य को, खंड खंड करके तोड़ने का काम किया इंग्लैंड और फ्रांस ने, और 1945 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस करने के लिए इन लोगों ने बहुत से फॉल्स नरेटिव गढ़े, जिस फॉल्स नरेटिव के शिकार इस क्षेत्र मतलब जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, इस क्षेत्र के लोग इस पूरी नरेटिव के शिकार हो। कारण यहाँ शिक्षा थी नहीं, तुर्कियों की गुलामी थी, सड़क था नहीं, रेलवे था नहीं, डाक था नहीं, इंटरनल कम्युनिकेशन था नहीं, मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, ट्रेडिंग थी नहीं, इरिगेशन था नहीं। तुर्की लोगों के लिए ये दूर दराज पड़े पड़े कहीं इधर उधर छिटके पड़े हुए लोग थे, जिनसे कभी कभार वो टैक्स इकट्ठा करता था। तो जब भारत से सेना गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, बगदाद पर चढ़ाई करके बगदाद पर कब्जा करने के लिए, तब ये कहा जाता था बगदाद तक कोई खबर पहुंच गई तो मान लो वो पता नहीं कहां तक वो खबर पहुंच गई, यानी कि बगदाद ओटोमन एम्पायर का एक आउटलाइंग एरिया था, पर्शिया तो कोई गिनती में नहीं था। और ये कब तक की बात है? ये बात है जब तक ओटोमन एम्पायर पूरी तरह टूट नहीं गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। तो पहली बात जो है कि ये एक फॉल्स नरेटिव, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के शिकार हैं। कौन लोग? पर्शियन लोग भी, अरबी लोग भी, तुर्की लोग भी, और कोई इस्लामिक ब्रदरहुड यहां नहीं है, कोई बिरादरपन नहीं है, कोई भाईचारापन नहीं है। ये आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, और जितना नाश इन्होंने आपस में एक दूसरे का किया है उतना तो किसी का किया ही नहीं है। और ये पहले इंग्लैंड फ्रांस और बाद में अमेरिका के हाथ के मोहरे हैं। जैसे ही शाह रजा पहलवी गया, आयतुल्ला खोमैनी आया, तुरंत ईरान इराक की 9 साल वाली लड़ाई शुरू हो गई। इस 9 साल की लड़ाई में पेट्रोल का दाम 40 डॉलर बैरल से गिरकर 6 डॉलर बैरल पर आ गया। इसी लड़ाई के दौरान ईरान की हालत खराब हो गई, और यही ईरान इज़राइल का दोस्त था, और यही ईरान इज़राइल को तेल सप्लाई करता था जब इसके बाकी पड़ोसी, जिसको अरब लीग वगैरह कहते हैं, इसराइल को तेल नहीं देते थे, तो यही ईरान इसराइल को तेल देता था। तो जैसा शैलेंद्र भैया ने बताया, दूसरा जो फैक्टर था, ये जब ये आयतुल्ला खोमैनी वगैरह आए हैं, फ्रांस वालों ने अपने जहाज पर बैठा कर भेजा है, फ्रांस वालों ने आयतुल्ला खोमैनी और उसके पूरे नेटवर्क को पाला पोसा बड़ा किया है, क्योंकि हरदम ये दोनों को खिलाते हैं। तो ये जब आता है, और जैसे ही वो अमेरिकन हॉस्टेजेस वाला मामला आता है, अमेरिका
अपना बदला लेने के लिए इनको इराक के साथ युद्ध में 10 साल फंसाता है, लगातार इन पर सैंक्शन है, तो कोई भी देश को लड़ने के लिए ये तो चाहिए कि उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, उसकी जो जनता है वो होमोजीनियस और कोहेसिव यूनिट है कि नहीं है। और ईरान में तो हालत ये है, भयंकर विप्लव लगातार चल रहा है, 1978 के पहले भी चल रहा है, लेकिन 1978 के बाद तो मतलब सरफेस पर है विप्लव, मार का देश के भीतर, देश के लोगों का, ये कोई होमोजीनियस या एंटिटी के लोग नहीं है। और दूसरी बात, उस ईरान को उसी क्षेत्र में इजराइल के विरोध में एक भी देश का एक्टिव मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, जबानी जमा खर्च दो चार कर रहे हैं। और इजराइल क्या है, इजराइल है जो जिस दिन मई 1948 में उसका डिक्लेरेशन हुआ कि हम एक स्टेट, ज्यूइश स्टेट का हम स्थापना कर रहे हैं, उसी समय उस पर 6 देश चढ़े और मार खा के गए, फिर 67 की लड़ाई में मार खाए, फिर 73 की लड़ाई में मार खाए, कौन, उसके सभी पड़ोसी। और 48 से 73 और 73 से 2024 इजराइल का तो कोई मैच नहीं है। और इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तुरंत आ गया इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यानी नाटो सपोर्ट है। तो ये देखिए कि इतना भारी भरकम रूस युद्धि से यूक्रेन से निपट नहीं पा रहा है, और यूक्रेन में नाटो ने अप्रत्यक्ष सपोर्ट किया है, प्रत्यक्ष सपोर्ट नहीं किया है। और यहाँ तो अमेरिका लड़ने के लिए हर बार आकर खुद खड़ा हो जाता है। तो ईरान इजराइल से क्या खाकर लड़ेगा, कितने दिन लड़ेगा, इतनी अकल तो ईरानी मिलिट्री, ईरानी इंटेलिजेंस, ईरानी रेजिम को निश्चित रूप से है। तो जो शुरू में कहा गया कि ये लड़ाई है कि कोई स्क्रिप्टेड खेल हो रहा है, और खेल किस लिए हो रहा है, ध्यान होगा G20 में अनाउंस हुआ था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में बाधा जिस इस्लामिक आतंकवाद को कहते हैं वो बाकी जगह से तो साफ हो रहा है, अब तो अकेला एक है ईरान शिया जो हिजबुल्ला को पालता है, जो हुतियों को पालता है, जो हमास को लड़वाता है। तो ये जो कांपा है भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये 2024 में उखाड़ कर धीरे से फेंक दिया जाएगा। कारण 1945 के बाद अमेरिका ने पुलिसमैन का रोल लिया, और वेरियस रीजन इस क्षेत्र में जो रोल लिया उसका मुख्य कारण एक तो इजराइल था, दूसरा तेल था, तेल जा रहा है या जा चुका है, अमेरिका स्टेप आउट कर रहा है इस क्षेत्र से। और पुनः 1942 के पहले की पोजीशन में जा रहा है, 42 में क्या हुआ था, पर्ल हार्बर पर अटैक, पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद अमेरिका ने अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, यानी हम अकेले चैन से रहें, छोड़ के इंटरनेशनल थिएटर में एक्टिव रोल लिया था, जो पिछले 10 साल से हट रहा है। कारण इजराइल मजबूत है, हल्के फुल्के सपोर्ट से काम चल जाएगा, तेल का ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना खर्चा क्यों करें। तो
अमेरिका के पीछे हटने से दूसरा एक जो झंझट इस इलाके में खड़ा हो गया है वो ये कि सब मियां लोगों के लिए, यानी सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो कुवैत, तो कतर, तो बहरीन, इन सबके लिए यही तो सरदर्द है। कौन? ये शिया ईरान। और शिया ईरान से रक्षा के लिए ये लोग अब किसके पाले में है? ये लोग इजराइल के पाले में है। जो अब्राहमिक एकॉर्ड है, ये एकॉर्ड क्या है? ईरान के उत्पात से या ईरानी रजीव के उत्पात से इनकी रक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट की जगह इजराइल है। यानी इसराइल को यूरोप का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, सारे मियां लोग का सपोर्ट है भाई। तो ये मरा हुआ, ये घुन खाया हुआ, ये आपस में टूटता कराहता लड़ता हुआ ईरान कितने दिन खड़ा हो पाएगा? जिस हमास को, हमास को भी चढ़ा के इजराइल पर अटैक करवाया गया अक्टूबर में, क्यों कराया गया? गाजा पट्टी की सफाई के, गाजा पट्टी की सफाई क्यों जरूरी थी? मेडिटेरियन कॉन्टैक्ट की, मेडिटेरियन भूमध्य सागर के बंदरगाहों की जरूरत है ना यूरोप तक पहुंचने के लिए। और इधर रेड सी का जो चैनल है, जो ट्रैफिक है, जो स्वेज कैनाल वाला, इसको भी फ्री करना है। इस पर ईरान हुतियों को लेके बैठा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय अखाड़े में फुलझड़ियों से लड़ाई नहीं होती है। और पिद्दी महाबली से मरने के लिए ही लड़ने जाता है, जीतने के लिए नहीं जाता है। और मरने के एवज में ईरानी रेजिम को कुछ प्रॉमिस किया गया होगा, इसलिए स्क्रिप्टेड वॉरफेयर। तो ना तो कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ना कोई लंबा चौड़ा लड़ाई होने वाला है, ना यहाँ रूस आने वाला है, ना यहाँ चीन आने वाला है। और जबानी जमा खर्च करने का तो कम्युनिस्टों को पुराना आदत है। वो नैन्सी पेलोसी गई ताइवान, तो वो शी जिनपिंग ने कहा जी हम हवा से में उड़ा देंगे। तो ताइवान ने नैन्सी पेलोसी को उतरने से तो रोक नहीं पाया, तू क्या खा के इजराइल के पास जाएगा? तू तो चोरों की तरह गाजा के सुरंगों में छिपा हुआ था। तो ये रूस और चीन तो किसी के काम के नहीं है। तो सार ये है, जो अब होना है ये पूरा एरिया ही साफ होना है। कैसी सफाई? 1945 के पहले वाली शांति, 1914 के पहले वाली शांति। कैसी शांति? मरघट वाली शांति, जहां पर मियां लोग का कोई वजूद था ही नहीं। ये दोबारा घटित होने जा रहा है। और दूसरी बात जो बाद में मैं उठाऊंगी, एक ग्रेटर इजराइल यहाँ पर आ रहा है। और तीसरी बात जो शायद साल भर बाद हम लोग बहस करेंगे, अनेकानेक ये जो नन्हे 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 इतने इतने नेशन स्टेट यूरोपीय यूरो अमेरिकन्स ने बनाया था तेल के कुओं के लिए, नन्हे नन्हे नेशन स्टेट की भी विदाई हो रही है। तो तीन काम हो रहा है, ईरानी उत्पात क्लोज, इस्लामिक उत्पात पूरी तरह ठंडा, कॉरिडोर आराम से चलना, व्यापार वगैरह आराम से होना, और नेशन स्टेट की विदाई, और ग्रेटर इजराइल का साम्राज्य स्थापित होना। वो इन दो तीन बातों पर बाद में हम लोग उठा लेंगे। जी आदित्य जी,
ग्रेट पॉइंट्स, ग्रेट पॉइंट्स। एक्चुअली आपने उसको टोटालिटी में कवर कर दिया, अभी अभी आपने और शैलेंद्र जी ने इसको टोटालिटी में कवर कर दिया। एक पॉइंट छूट गया कि किस सिचुएशन में, जो दुनिया भर में लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3, किस सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 तब हो जब दो पहलवान लड़ने आए, यहाँ तो दो पहलवान है ही नहीं, एक है अमेरिका यूरो यानी नाटो, उसको लड़ने का मन नहीं है भाई, उसको चैन से खाने पीने का मन है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका pre-1942 फेज में लौट रहा है, चीन को थोड़ा सा निपटा के वो शी जिनपिंग के मरते बूढ़े होते, कोई जहर वहर देते, साल दो साल डेढ़ साल छह महीने का मामला है। ठीक, यूरोप का जब रक्षा का जिम्मा ही यूएसए ने छोड़ दिया, अफगानिस्तान से यूनिलैटरल चल गया, मिडिल ईस्ट से यूनिलैटरल जा रहा है, इंडो पैसिफिक को भारत की नेवी को सुपुर्द करके जा रहा है, भाई तुम लोग अपना देखो देखो भाई, हम भी तो जो कमाए हैं सुख चैन से खा लें। तो एक पहलवान उसका लड़ने का मन नहीं है, उसका आराम से बैठ के खाने पीने का मन है। यूरोप बेचारे की हालत ये है कि रूस का सस्ता तेल नहीं आया और एक कोरोना जैसी पिद्दी सी बीमारी आ गई, तो उसके समझ में नहीं आता है यूरोपियन लोग खाना खाएं कि ठंड से अपनी रक्षा करें, कहीं उनके पास बस चलाने को ड्राइवर नहीं है, कहीं उनके हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, उनके यहाँ झाड़ू लगाने वाला नहीं है, तो मियां ले आए हैं। तो यूरोप भी किसी तरह अपना घर द्वार समेट के चैन से जीना चाहता है। पुतिन जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जोर कितना है ये यूक्रेन में दुनिया देख रही है। यूक्रेन से रूस नहीं लड़ पा रहा है, और यहाँ यूक्रेन है कौन? ईरान। और इजराइल क्या है? पुतिन है या अमेरिका है, जो है। और इस यूक्रेन की मदद करने, ईरानी ईरान को अगर यूक्रेन कहे, इसके मदद करने उसके भाई बिरादर भी नहीं है, क्योंकि उनसे इसकी लड़ाई तो सांप नेवले की है, शिया की सुन्नी से, पर्शियन की अरबी से, कुर्द से और तुर्की से और जू से। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये जो कथा बाहर दिखाई जा रही है, मियां लोग यहूदी पर चढ़ बैठे, ये तो खेल कब का खत्म हो गया, 1967 में, 77-76 में अनवर सादात को कहा था कि भाई अरबी लोगों की लड़ाई हम मिस्री लोग क्यों लड़े, और उसके बाद कैंप डेविड एकॉर्ड हो गया था भाई। एक इस्लामिक नेशन स्टेट ने इजराइल पर चढ़ाई किया ही नहीं है भाई 73 के बाद, 73 से अब 24 आ गया, करीब करीब 50 साल हो गया। तो वो खेल सलट गया है, ये झाड़ पर चढ़ा हुआ ईरान अब विदाई है, इसकी भी विदाई है, बाकियों के भी विदाई है। कारण मक्का में क्या हो रहा है, मदीना में क्या हो रहा है, जिसको टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो तो इस्लाम का हदूद गुना है ना। लड़की और वो शराब, शराब हदूद गुना है और व्यभिचार हदूद गुना है, और ये दोनों मियां सरकारें कर रही हैं, विज्ञापन कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं। तो हदूद गुना करने वालों का अब अंत, 14वीं शताब्दी ऐसे भी इस्लाम का अंत है, उसी के सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, आप इस पे क्या ऐड करेंगे बताइए, भैया के पास तो बहुत है।
टीका टिप्पणी करूं, मैं तो पूर्णतः सहमत हूं और मैं मानता हूं कि जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि इजराइल और ईरान में जिसको कहते हैं सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, इन सब चीज़ों में अतुलनीय स्थिति, आप तुलना ही नहीं कर सकते। ये गिरा पड़ा देश है, भिकमंगा है, इसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने तक की समस्या है। और युद्ध में क्या होता है, जब तक आपके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, और आज तो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब इसराइल के पास आप सोचिए इंटरसेप्टर है, जो कोई सामान्य देश उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि आप मिसाइल मारें और वो उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, आयरन डोम जिसको कहते हैं। अब ये इसके सामने कोई कैसे लड़ेगा? और दीदी ने सही कहा कि भाई तीन बार पता नहीं कितने देशों ने मिल करके हमला किया, आक्रमण किया इसराइल पर, और जब भी ऐसा किया तो इसराइल न केवल जीता बल्कि कुछ स्थान भी ले लिया, उन देशों से कुछ भूमि भी छीन ली। तो आज हालत यह है कि यदि वो जो दीदी कह रही हैं ग्रेटर इसराइल की, वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा बड़ी चुनौती नहीं है। वो चाहे तो एक थप्पड़ में, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा जॉर्डन निगल सकता है। जॉर्डन के पास कोई क्षमता ही नहीं है उसके सामने। आपको मालूम होगा कि जॉर्डन का जो राजा था वो इतना कमजोर था कि उसके पास सैनिक नहीं थे, और उसने जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में पाकिस्तान से सैनिक मंगवाए थे, और इंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को ही मारा था, क्योंकि फिलिस्तीनियों को शरण दी थी, और फिलिस्तीनी ये निर्णय करने लग गए थे कि जॉर्डन के राजा को हम हटा दें। तो आप सोचिए वहां किसी राज्य के पास कोई विशेष शक्ति नहीं। इतना बड़ा जो मिस्र है वो इतना डरता है इसराइल से कि सबसे पहला समझौता व्यावहारिक होकर के, प्रैग्मेटिक होकर के उसने समझौता किया कि भाई हम तुमसे आगे कभी नहीं लड़ेंगे। और उसका जो एक हिस्सा है हमास का जो दक्षिण की तरफ जाता है, वहां पर बहुत सारी भूमि है जिस पर जब चाहे इसराइल कब्जा कर सकता है। और बाइबिल में जो एक पहाड़ है ना, क्या नाम है उसका, सिनाई, सिनाई पर्वत, तो सिनाई पर्वत का नाम बार बार बाइबिल में आता है, और वो भी वो बाइबिल का हिस्सा जिसको यहूदी मानते हैं। तो वो सिनाई का जो क्षेत्र है वो भी अभी मिस्र में है, तो वो जब चाहेगा इसराइल वो सिनाई का पूरा क्षेत्र उसका ले सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो अतुलनीय स्थिति में इसराइल है। और मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है, और मैं समझता हूं दीदी वही बात कह रही है, देखिए इस्लाम जो है एक भ्रम की स्थिति हमारे के सामने बनाई जाती है कि इस्लाम में कोई दम है, वो उम्मा है, उसमें कोई, अरे उसमें जितने भी भेद हैं और इस्लाम में ही एक दूसरे को जितना मारा है इन्होंने, उतना किसी और को नहीं मारा है। भाई शिया सुन्नी का तो वो भयंकर युद्ध है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं। जब मैं शोध कर रहा था मुहर्रम पर, तो मुहर्रम में ताजिया निकाला जाता है भारतवर्ष में, पूरे देश में, और वो मातम मनाते हैं, छाती पीटते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि जब बाहर ये मुहर्रम का दिन होता था तो ये कंबल उम्बल ओढ़ के भाग जाते थे या भूमिगत हो जाते थे, क्योंकि इनकी हत्या सीधा कर दी जाती थी। सुन्नियों का कहना था कि तुमने छाती पीटी और हम तुमको गोली मार देंगे या तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो यहां पर एक मुसलमान स्त्री है दिल्ली में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मुझे पढ़ने का अवसर मिला। तो भारत में दो कारण थे इस ताजिया और मुहर्रम मनाने के। पहला तो भारत उत्सवी देश है, उत्सव धर्मी देश है, तो उस उत्सव में उनको लगा कि हम भी इकट्ठा होते हैं, कुछ जो है छाती पीटने के ही नाम पर, लेकिन इकट्ठा होते हैं, कुछ गाने वाने बजाने होंगे, कूदेंगे खेलेंगे। और दूसरा पहलू था कि भारत में ही हिंदुओं के उपस्थिति कारण ये आज तक सुरक्षित है, अन्यथा इनकी गर्दन काट दी जाएगी कहीं भी। तो आप ये समझिए कि ईरान की स्थिति जो है कितनी दयनीय है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका जिस प्रकार का इस्लाम लेके वो चल रहा है उसका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सुन्नी शिया को
सच्चाई यह है कि हिंदुओं से भी अधिक काफिर मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि हिंदू और शिया मिलेंगे तो पहले हम शिया को मारेंगे बाद में हिंदू को मारेंगे। भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तो उनको शर्म आती है और छुपाने के लिए वो कहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। और सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है। कश्मीर में मैं बताऊं कि शिया का जब से वहां आतंकवाद शुरू हुआ 1989 से, तो 2023 में आकर के पहली बार मुहर्रम की अनुमति दी गई है, वो भी आज की सरकार ने दिलवाया है। अन्यथा आतंकवाद के नाम पर उस पर ऐसा कहर बरपाया गया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो कश्मीर में भी शिया और सुन्नी के बीच में बहुत लड़ाई होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये बेमेल युद्ध है जिसको युद्ध नहीं कहा जा सकता। और दीदी ने बड़ी अच्छी बात कही है, देखिए तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। कैसे होगी? आप देखिए इसराइल और ईरान की स्थिति जैसे आप देखते हैं, इन दोनों से थोड़ा मतलब कहिए कि रूस तो आकार प्रकार में बड़ा है और वो पिछले 1.5 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है, और कहा यह जाता है कि यूक्रेन के पीछे यूरोप के देश है, अमेरिका है। तब भी कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो तीसरे देश में प्रवेश कर रही हो। पोलैंड में नहीं गई है, फ्रांस में नहीं गई है, आसपास नहीं गई है, तो यहां भी वो चीज क्यों आगे बढ़े। दूसरा, यहां तो वो भी युद्ध नहीं है, वहां तो चलिए कुछ युद्ध हुआ है, यहां तो उस युद्ध की कोई संभावना ही नहीं है। यदि मान लीजिए तेहरान पे यदि बढ़िया से मिसाइल मार दे इसराइल, और यदि हजारों की संख्या में लोग मर जाएं और उसके बेसेस को उड़ा दे, मिलिट्री बेसेस को उड़ा दे, तो कहां रहेगा ईरान, आप मुझे बताइए। जैसे उसने हमास में किया है, भूमि के नीचे जाकर के साथ साथ तल्ला नीचे जाकर के उसमें उसने निकाला है आतंकवादियों को, तो ईरान तो उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इस्लामी स्वरूप है ईरान में, आयतुल्ला खुमैनी ने जो अत्याचार किया है और उसकी संततियों ने जो अत्याचार किया है, जो आज तक चल रहा है, उसका अंत बहुत ही बढ़िया अवसर है उसके होने का। और जो दीदी कह रही थी उसमें मैं ये मानता हूं कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाएगा। ये जो जो लोग शासन कर रहे थे अभी तक गलत तरीके से, इनको शासन छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद में ईरान जीने लायक होगा, मनुष्यता वहां आएगी, वहां थोड़ी बहुत समृद्धि आएगी। अन्यथा आप कैसे, आप पानी में रह के मगर से बैर, आप सारे संसार में सारे देशों से आपको सैंक्शन मिल रहा है और फिर भी आप समझ रहे हैं कि आप बहुत सफल देश हो सकते, नहीं हो सकते। मैंने उसके व्यापार के आंकड़े देखे, मैं दंग हूं। ईरान कुछ बेचता ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं कुछ बेचने को। मैंने अपना व्यापार देखा तो हमारे यहां से, आप सोचिए कि इतने आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां से चावल उसको जाता है, सब्जियां जाती हैं, बहुत सारी चीजें जाती जो वो नहीं पैदा करता, तो उसके पास खाने को नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बनाता नहीं है, गाड़ियां खरीदता है, उसके पुर्जे खरीदता है, तो कोई चीज वो बनाने के योग्य नहीं। तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? आपके पास फॉरेक्स कहाँ है, फॉरेन रिजर्व कहाँ है आपके पास? इसलिए उसकी जो माली हालत है वो बहुत खराब है, और आज से नहीं है, ये 1978 से ही है। और इस आयतुल्ला ने, मैं आपको बता रहा हूं कि 9 वर्ष का जो युद्ध था, उस युद्ध में लाखों बच्चों को मरवाया है। वो युद्ध निरर्थक युद्ध था, और उस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी अमेरिका है। अमेरिका ने ईरान को उकसा करके इस पर हमला करवाया, युद्ध जब लंबा खींचा तो ईरान का समर्थक हो गया अमेरिका। अमेरिका ने उस बंदर वाला काम किया है जिसको सही अर्थ में बंदर बांट कहते हैं, रोटी बांटने का काम किया अमेरिका ने। अमेरिका ने दोनों को लड़वा के दोनों को समाप्त कर दिया। ईरान समाप्त हो गया एक हिसाब से, उसका जो राजा था, पता नहीं क्या नाम था वो, सद्दाम हुसैन, वो मर भी गया, और अब इसकी बारी है ईरान में जो मरेगा। एक और जानकारी, बड़े आश्चर्यजनक बात है, अपने शत्रु को तो आपस में लड़ा के मार ही देना चाहिए ना, खुद थोड़ी मरना चाहिए। एक बहुत सारे हिंदू बोलते हैं शिया अच्छे मुसलमान है, सुन्नी खराब है, ऐसे भी लोग बोलते हैं कुछ, तो ऐसा है कि हिंदुओं में भी मूर्ख होते हैं, यहाँ भी गधे,
यहाँ भी उल्लू है, यहाँ भी अनपढ़ है, तो कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है, से नहीं मतलब है। देखिए इसराइल को थोड़ा बहुत अच्छा इसलिए मानते हैं कि वो सुन्नी के शत्रु हैं, और सुन्नियों की तुलना में वो भी हिंदुओं के करीब आते हैं अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए हिंदुओं को लगता है। और थोड़ा भारत के संदर्भ में क्या है शियाओं के साथ, कि भारत में जिन मुसलमानों ने अधिक पढ़ाई लिखाई की है उनमें शियाओं का नंबर अधिक रहा, इसलिए हिंदू के निकट भी आ जाते हैं। जो भी पढ़े लिखे मुसलमान भारत में दिखेंगे संभावना अधिक यही होगी कि वो शिया होंगे, इसलिए थोड़ा लगता है, लेकिन अन्यथा कोई वो नहीं। तो मैं जो ये कथा सुना रहा था छोटी सी, दीदी हंसी आएगी आपको, कि जब आयतुल्ला का शासन आरंभ हुआ तो वो चूंकि उस राजा के रेजीम को उसने चुनौती दी थी, तो उसने अपनी जो सेना थी उसकी, उस सेना से कोई काम नहीं लिया, इसने अपनी सेना बनाई। और अपनी सेना बनाने में क्या किया, 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चों को घरों से निकाल निकाल करके इराक की सीमा पर भेज दिया। चूंकि वे प्रशिक्षित नहीं थे, उन्हें बहुत कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो लाखों की संख्या में मारे गए, क्योंकि वो अनट्रेंड लोग थे। और बाद में देखिए कि उनमें से जो जीवित बच गए और ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, उनकी एक नई सेना बना दी, और वही सेना और उनकी जो संतति है वो आज भी सेना है। इसलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि जो असली सेना है वो गायब है, उसको आयतुल्ला ने एक हिसाब से समझिए कि भरोसा ही नहीं किया उस पर, और अपनी स्वयं की सेना बना दी, और इसको बाद में नौकरी दे दी जब शासन आ गया, तो इनको कुछ पैसे भी देने लगे, तो एक प्रकार की नई सेना बनाई और एक प्रकार की और पुलिस बनाई, जिसको कहते हैं मोरल पुलिसिंग, जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मस्जिद में नहीं जा रहा है, कौन सी स्त्री है जो बुर्का नहीं पहनी हुई है, कौन लड़का और लड़की दोनों मिल रहे हैं आपस में किसी पार्क में, उनको दंड दिलाना, उनको कोड़े मरवाना, उनको अपने जो शरिया लॉ होता है उसके हिसाब से उसको अदालत में घसीटना, ये सिस्टम उसने बनाया आयतुल्ला ने। तो सारा उसका जो पैसा है वो ये तथाकथित सैनिकों को चला गया, इस पुलिस बल को चला गया, तो उसके पास पैसा कुछ बचता नहीं था। और इस बीच में जब मर्जी हो किसी गर्दन काट दीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए, वो सब चलेगा। तो ये अन्यायपूर्ण पिशाचिक जो शासन है, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि वो संभवतः इसराइल के द्वारा ही इसकी समाप्ति होगी और सुख चैन से लोग दुनिया में रहेंगे। ये सोचिए कि आतंकवाद का जनक देश है, जिसकी जिसके जिस रेजिम की समाप्ति बहुत आवश्यक। और दीदी अंतिम वाक्य मेरा ये है कि जैसे आप शी जिनपिंग के लिए कहती हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी वो जो सिस्टम चल रहा है आयतुल्ला वाला वही है। जब ये रेजिम समाप्त हो जाएगा तब ईरानियों को लगेगा कि समृद्धि क्या होती है, सुंदरता क्या होती है, खुले वातावरण में सांस लेना किसको कहते हैं। जैसे शी जिनपिंग वहां से जाएगा तो चीनियों को पहली बार कहिए कि सुंदरता का क्या अनुभूति होगी। तो ये मेरी टिप्पणी। इसमें एक चीज मैं जोड़ रही हूं केवल, कि देखिए जिसको स्टेट्समैनशिप कहते हैं वो मियां लोगों के पास है ही नहीं। जी मैं नहीं करता। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इसी में, प्लीज कंटिन्यू। मैं सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं इधर हल्का सा, कि कोई भी इस्लामिक देश ने आज तक अच्छी सेनाएं नहीं बना पाया, इस पे भी थोड़ा ऐड करिएगा जो आप आंसर दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं दीदी कह रही है, जब स्टेटमैनशिप ही नहीं है तो सेना कहां से बनेगी। तो ये बार बार गाल बजाते रहते हैं, मार देंगे, काट देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। और इसराइल को देखिए, इसराइल इतना पावरफुल है टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली, इंटेलिजेंस में, डिप्लोमेटिकली, और इसके बावजूद वो कभी भी कहता हम तुमको उड़ा देंगे, मार देंगे, जान देंगे, कहता भाई मुझे चैन से रह लेने दो, मुझे चैन से रह लेने दो। और ये कहते कहते ये पूरा मिडिल ईस्ट आगे पीछे एक बड़े इजराइल में कन्वर्ट होने वाला है। और ये गाल बजाने वाले उसी तरह से हैं जैसे जलती हुई दिए की लौ पर फतिंगे उड़ उड़ के जाकर मरते हैं।
और रही बात सेना की, सेना और युद्ध करना पर्शियंस के अलावा किसको आता था? ये जिसको अरब क्षेत्र कहते, पर्शिया मतलब, अभी ये मैं ज्योग्राफी से पहाड़ का नाम नहीं बता पा रही हूं, उस पहाड़ के पूरब वाला जो हिस्सा है वो तो भारत का अंग है पर्शिया का, और उस पहाड़ के जो पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र है वहां तो जनसंख्या नॉमिनल है, वहां सेना वेना कभी होती ही नहीं थी, तो सेना बनाता कौन? एक पर्शिया और एक ओटोमन एम्पायर तुर्की लोग, इन दोनों के पास सेना थी, बाकी किसी के पास सेना नहीं है। और जितने ये छोटे छोटे उत्पाती देश बने हैं, ये उत्पाती देश गाल बजाने वाले देश बने हैं। और जैसा भैया ने कहा, वो शाह राजा पहलवी वगैरह आए थे तो ये सेना वेना बनाए, लेकिन सेना बनाकर ये पड़ोसी से लड़ते नहीं है, इनकी सेना अपने सिविलियन को मारने काटने कंट्रोल करने और टॉर्चर करने के काम आती है। तो जहां राजा नहीं है, जहां राज्य नहीं है, जहां राज दंड नहीं है, जहां धर्म दंड नहीं है, वहां सेना का भी कोई काम नहीं है, इसलिए सेना भी नहीं है। सेना सदा सनातनियों के पास है। पहले विश्व युद्ध में तो स्वयं इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बहुत दिनों में बाद में बनी। अपने लोग चाहे तो कभी सेनाओं के बारे में एक पूरा एपिसोड रख लीजिए, थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाई है वो मैं बता दूंगी। बिल्कुल, वी शुड डू दैट, वी शुड डू दैट। तो ये गाल बजाने वाले कब से कह रहे हैं उड़ा देंगे फेंक देंगे, उड़ा देंगे फेंक देंगे। अरे तू आर्मामेंट इंडस्ट्री कर लिया होता, तू टैंक पिस्तौल बारूद ही बना लिया होता। वो पिद्दी ना पिद्दी सा जापान, वो पीरे कौन आया था अमेरिकन, जिसने कुछ उस पर अनइक्वल ट्रीटीज ला दी, उसके आत्मसम्मान को ऐसी चोट लगी। 1854 है शायद, 1895 में तो चीन पर कोरिया पर चढ़ के बैठ गया 40 साल के अंदर, अब बैक वाटर में है जापान। तो क्यों वो कर पाया? सनातनी है, गाल नहीं बजाता है, मार देंगे काट देंगे उड़ा देंगे हवा में कर देंगे, जो करना है वो करता है। इसराइल गाल नहीं बजाता है, जो करना है वो करता है, और ऐसे करता है कि मिस्र का सादात उसके घर जाके कहता है, जी अरबियों की लड़ाई मैं क्यों लड़ूं? बहरीन उससे दोस्ती करता है, सऊदी अरब यूएई को भेज के उससे दोस्ती करवाता है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। ये कौन लोग कर सकते हैं? जिनको राज्य, राज्य सत्ता, राज्य संचालन आता है, जो ये लफंगों के झुंड है, कबीलों के झुंड है, बकरी भेड़ ऊंट चराने वाले, ये उन लोग का काम, उन लोग का काम गाल बजा के हो जाता है। तो आज के लिए हो गया ना, कोई तीसरा युद्ध है, ग्रेटर इजराइल आ रहा है, ये नन्हे नन्हे टाइनी नेशन स्टेट जा रहे हैं, एक बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, सनातन धर्म का उन्मेष यहाँ हो रहा है। मेरी समझ से आप ही के चैनल पर शैलेंद्र भैया का है, ईरान हिंदू हो रहा है। बिल्कुल, बहुत फेमस है वो, तो 6.5 लाख से ऊपर है उसके व्यूज, मिलियन क्रॉस करने वाला है, मिलियन क्रॉस करने वाला है। वो वीडियो इसमें लिंक में लगाने वाला हूँ, तो पीपल कैन वॉच दैट फॉर सनात फॉर शैलेंद्र। तो वो जो उस समय कहे उसी का ये सब तैयारी है। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल वेरी मच। बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, लेकिन हम अगले शो में कवर करेंगे। एंड फॉर द व्यूअर्स, एक घंटा 5 मिनट हो गया जी, फॉर द व्यूअर्स डू लाइक, चिंता करनी चाहिए। हाँ हाँ, नमस्कार, बंद कर दीजिए। व्यूअर्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को दूसरों के बारे में बताएं। वी प्रेजेंट यू रेफरेंसेबल टॉपिक्स व्हिच यू कैन रेफर इन द बुक्स आल्सो। नमस्ते एंड थैंक यू। प्रणाम सबको, प्रणाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।